हिदा लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है आज, क्या संकेत है। आज मंगलवार का दिन है और क्या इंडिकेशन मेरे व्यूवर्स के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करें। अपने ही मन में एक क्वेश्चन रखिए और चेक करते हैं आज रीडिंग्स में क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज है। ये आज दिन के पहली रीडिंग है, दूसरी रीडिंग दोपहर को 12:12 पर आएगी, तो आप उसे चेक करना ना भूलें। चलिए डिवाइन गाइड करें और बताएं आज के दिन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, 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 क्या इंडिकेशन है आज के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। गाइडेंस, वी हैव गाइडेंस, वी हैव हार्मनी, अलोननेस, कंपैरिजन एंड वन मोर वी हैव द रिबेल। बॉटम डेक भी चेक कर लेते हैं, अवेयरनेस का कार्ड आया हुआ है। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हो रहे होंगे, क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। जो मैसेज आज हम सब लोगों के लिए आया है एज़ पर द रीडिंग, जो इंडिकेशन मेरे व्यूअर्स के लिए आया है। ओके, सो देखिए, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, सबका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होगा, सब अलग अलग सिचुएशंस को डील कर रहे होंगे। जो मुझे बहुत ही क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कार्ड्स में, आई एम गोइंग टू शेयर दैट ओनली। ठीक है, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, दैट इज़ बहुत सारे लोग हैं जो एक बहुत ही टफ साइकिल से गुजर रही हैं या एक टफ टाइम से गुजर रही हैं। चीज़ें जैसी चाह रहे हैं वैसी नहीं हो रही है। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट इज़ आपको कहीं ना कहीं से एक हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई पर्सन कहीं ना कहीं से आपको एक हेल्प मिलता हुआ या हेल्प देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी चीज़ें ऐसी चल रही होंगी कि जो आप चाह रहे थे वैसा हो ही नहीं रहा था, सब कुछ बिल्कुल अपोजिट चल रहा था, हर चीज़ में आपको एक नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे थे और इस वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे, जो यहाँ कार्ड्स में इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। जिस भी पर्सन के साथ या जिस भी सिचुएशन में डील कर रहे हो, जितने भी लोगों के साथ डील कर रहे हो, थोड़ा आपको अवेयर रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाएं। लोग अच्छी सिचुएशन, मतलब आप तो उनके साथ अच्छा कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ही फ़ायदा उठाकर चीज़ों को डील कर रहे हो, सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग साइड। तो थोड़ा आपको अवेयरनेस के साथ, थोड़ा ध्यान से आपको चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात ये दिखाई दे रही है, दैट इज़ सबसे अच्छी बात, कि जितने लोग इस सिचुएशन की वजह से काफ़ी नेगेटिव चल रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे, डाउन हो चुके थे, लग रहा था कहीं से ना ही कोई हेल्प मिल रही है, ना ही कहीं से कोई गाइडेंस मिल रहा है, मतलब एक जर्नी एक अलोन पर्सन, लोनली पर्सन जैसी हो गई थी, तो समवेयर ऐसा लग रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। जितना आप लोगों के साथ प्यार से रहे थे, जितना आपने लोगों के साथ प्यार से डील किया था, जितना आपने लोगों के साथ एक पैशन के साथ, एक प्यार के साथ जो चीज़ें डील की थी, वो आपके फेवर में मिलती हुई आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अभी भी चीज़ों के प्रति थोड़ा अकेलापन फील करोगे, हो सकता है कि अभी भी सिचुएशन को लेकर इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा मुझे आप अभी ना अपने वर्क से या अपने एनवायरनमेंट से इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहे हो। सो या इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे आज आपके लिए जो सबसे पहला, सबसे प्यारा गाइडेंस आया है कि नो मैटर हाउ रफ, हाउ नेगेटिव द सिचुएशन वॉज, एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें फेवरेबल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जितनी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, डाउटफुल हो रही है, डाउन हो रही है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक
अच्छा गाइडेंस, एक अच्छी मदद आती हुई दिखाई दे रही है। सो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेंटली चैंटिंग करते रहिए। इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट पे आई एम पोस्टिंग एवरीथिंग, तो चेक कर लेना अगर नहीं करा है, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बाकी सारी रेमिडीज़ के वीडियो रात को 9 बजे आएंगे ही, चेक करना ना भूलें। राधे राधे।